नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आइए रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं लोगों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता से जुड़ी अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री को बताई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं उन्होंने जनता से अपील की है कि लोग सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी है। ब्लॉक बहादुराबाद से भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी की तरफ से जाति तोड़ो समाज जोड़ो साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसके जरिए समाज में फैली बुराइयों और नशे के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और काशीराम के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए महक सिंह प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी और मुन्नीलाल शिंदे प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के नेतृत्व में योजना की गई। आज ये साइकिल यात्रा आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में बीमार में भारत एकता मिशन के समस्त साथियों के सहयोग से आज ये साइकिल यात्रा जो है रानीपुर विधानसभा में निकाली जा रही है। जाति तोड़ो समाज जोड़ो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर पूरे देश भर में साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। जिस प्रकार से आपने देखा है कि जब से भाजपा की सरकार इस देश के अंदर बनी है, इस प्रकार से लोगों के ऊपर जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर शोषण अत्याचार होते हैं, तो हम चाहते हैं कि इस देश में गरीबों को भी बराबरी का दर्जा मिले, इस बहुजन समाज को बराबरी का दर्जा मिले, किसी को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ना प्रताड़ित किया जाए। इसलिए इस साइकिल यात्रा का नाम जाति तोड़ो समाज जोड़ो रखा गया। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा के थलसैंड ब्लॉक में बिजली, पानी, सड़क को मूलभूत आवश्यकताओं में गिना जाता है, लेकिन विधानसभा श्रीनगर के सिंसाल गांव में सड़क न होने के कारण ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी ओर से कई बार स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से सड़क के संबंध में बात की गई, लेकिन केवल आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं मिला। उत्तराखंड के वित्त सचिव अमित नेगी ने पेट्रोल के दाम कम करने को लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि अभी सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे पेट्रोल पर लगने वाले वेट को कम किया जा सके। हमारे जो रेट्स हैं, जो आपने देखा भी होगा, जो अक्रॉस द रेट है, जो हमारा टैक्सेशन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, वो तो फेयरली कॉन्स्टेंट चल रहा है। सो हमारे यहाँ पर तो जो कंटिन्यूस एक्सरसाइज है, हम लोग बाकी स्टेट्स को भी उसमें अकाउंट फॉर करते हैं जो उत्तर प्रदेश के रेट्स रहते हैं, और हमारे रेट्स मोर लेस उनके सिमिलर ही रहते हैं। भारत तिब्बत व्यापार की गवाह और दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में शुमार करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गड़तांग गली की सीढ़ियों अब नए रूप में देखने को मिलेंगी। जिला प्रशासन की ओर से लोक निर्माण विभाग गड़तांग गली की सीढ़ियों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिसका लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में इसके पुनर्निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। देखिए, गड़तांग गली का जो प्रोजेक्ट था वो PWD के द्वारा किया जा रहा है, और उसमें करीबन 60-70% काम हमारा पूरा हो गया है। अगले 1 से 1.5 महीने में हमें उम्मीद यही करते हैं कि वो कार्य पूर्ण हो जाएगा, जो कि उसका रिपेयरिंग का, रिनोवेशन का काम था, और जैसे भी कोविड की आगे सिचुएशन होगी उस हिसाब से फिर उसको पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। और निश्चित तौर पर एडवेंचर टूरिज्म के लिए, प्लस वहाँ के जो स्थानीय गाँव हैं, उनके जो युवा हैं जो कि एडवेंचर टूरिज्म में काम करते हैं, उनके लिए रोजगार का अच्छा ऑप्शन। हरकी पौड़ी पर एक बार फिर से हरियाणा के यात्रियों की तरफ से हुक्का पीने की घटनाएं सामने आ रही हैं। घंटाघर गंगा के किनारे बैठकर हरियाणा के यात्री गंगा की मर्यादा को भूलकर हुक्का पीने में लगे थे, तभी गंगा सभा के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हरियाणा के यात्रियों को सबक सिखाते हुए हुक्का तोड़कर फेंक दिया। वहीं उन यात्रियों की जमकर पिटाई की और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। हरिद्वार थाना सिडगुल क्षेत्र में मोबाइल छीनकर भाग जाना तो आम बात हो गई थी, लेकिन इस वक्त पूरे सिडगुल में दहशत का माहौल बना हुआ है। जहां एक ओर पुलिस लगातार अपराधियों का पर्दाफाश करने में लगी हुई है, तो वहीं पुलिस को चुनौती देते हुए तमंचे के बल पर कंपनी से लौट रहे वर्करों से लूट की जा रही है। वहीं ऐसा ही मामला मंगलवार रात्रि 9 बजे देखने को मिला, जहां तमंचे के बल पर चोरों ने युवक का मोबाइल छीन लिया, और वहीं मौके पर पहुंच पत्रकारों से इसकी जानकारी थाना सिडगुल प्रभारी LS बटोला को दी गई। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उनका काफी देर तक पीछा किया, लेकिन पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। मई 2021 में ग्राम मानपुर निवासी अभिषेक राणा की तरफ से कोतवाली उत्तर काशी पर उनके साथ विदेश से पार्सल के नाम पर हुई 2,50,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में अज्ञात मोबाइल नंबर के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा की तरफ से अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए थाना अध्यक्ष कोतवाली उत्तरकाशी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने अपनी एक टीम गठित की। वहीं लोकेशन और CDR के आधार पर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर दूर वसुधारा झरने के पास ग्लेशियर में एक अज्ञात साधु का शव मिला है। पुलिस को शव की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पहुंची, जहां पानी की तेज धार के बीच अज्ञात साधु का शव मिला। वहीं पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला। बताया जा रहा है कि अज्ञात साधु का शव 8 से 10 दिन पुराना। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।